अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, फिट फाट हैं? और आज ईद का दूसरा दिन मुबारक हो बहुत बहुत। आज जो है हमारा होना था मैड़ा, और अभी तक हमारे कसाई जो है वो बिल्कुल नहीं आए। उन सुबह 6 बजे उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं, और आते आते हो गए हैं 10 बज गए हैं और अभी तक नहीं आए वो। 3-4 दफ़ा तो हमारे घर के पास भी आ गए थे वो, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर दोबारा वो पहुँच गए अपने वो जहाँ से शुरू हुए थे। तो ये हमारा कनाडी कसाई है, कल इसने 10-12 बकरे किए हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि मैं थका हुआ हूँ ऊँट करने की, तो भी इसने जाना 2 बजे ऊँट करेगा वहाँ पे, जिस वजह से हमारा बकरा भी बड़ा नहीं कर सकता ये। तो 6 बजे का कसाई 6 बजे का नहीं आ रहा, 6 बजे से निकला हुआ कसाई अभी तक नहीं पहुँच रहा। वही देखिए, कह रहा ये कहना चाह रहा है कि मेरी तरह कसाई होना चाहिए, टाइम तक टाइम पर आ जाए। खैर, तो अभी जो है नाश्ता करना। सबसे पहले नाश्ते में यहाँ बना घर में यार वो बकरे का गोश्त ये वो, बस दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का, तो नाश्ता लेते हैं अपना बाहर से और फिर नाश्ता करते हैं। बाय बाय, उम्मीद है तब तक कसाई भी आ जाएंगे। धनतरम ने बाइक कर लिया बड़ेगा और अब चलते हैं घर। नाश्ता जो अभी तक नहीं लिया इसकी वजह से कह रहा नाश्ता बाद में लेंगे तो आगे जाके, तो चलते हैं अब घर, इसको डालते हैं क्योंकि इसका वक्त भी नज़दीक है, फिर तो खाना डालते हैं। जिन्हें घास लेके हम आ गए हैं और हमारे बड़े जो हैं खड़े सामने मारा बड़ा है, ये रहा खड़ा हुआ बेचारा भाई। नहीं बैठ गया गुस्से में आज, इसको मैं चारा डाल दिया, चारा खा रहा है ये। जान इतना गुस्सा नहीं करते, इधर रखे हैं इसकी जान है ये। जान तुम हमारे दिल की खाम खा दवाई मचाई रखी है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ओहो क्या बात, क्या बात है मेरी, क्या बात है। तो अभी ये खा रहा है नाश्ता, उसको देख के मुझे फिर मजीद भूख लग रही है। तो मिलते हैं, बाय बाय, अब हम मिलेंगे तुम्हें करते हुए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कसाई हमारे आ गए हैं और हम इसको हम खोल के वहाँ लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी पिलाना है, इसको पानी पिलाना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा दिखाना चाहिए, पिए ना पिए बोला था बात, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहिए पानी। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो पानी भर रहा है, पानी पिलाते हैं उसको और फिर चलते हैं, जीबा होना है उसने आज, दिल उदास है यार वाकई बहुत। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह है, तो ही नहीं करते हैं इसको आज, सैक्रिफाइस हो जाएगा। चलो भाई, चला। नहीं है, मैं धक्का देंगे, चलता है। आ गया। चलते हैं अंदर, कसाई भी खड़े हैं अंदर, मिलते हैं कसाई। ये सारे टाइम बताया लेकिन बिल भी लेट ही आ रहा था, लेट ही आया। तुम मैंने कभी कह रहे 6 बजे असं घर पहुंच गए, इतने पहुंच गए, 9 नंबर पहुंच गए, फिर पहुंचे नहीं। चलो कोई नहीं, अब आगे और करने लगे, अब होने लगा है कुर्बान, हो जाएगा फिर दिखाएंगे। छोटा बच्चा ईद मिलने के लिए आया है, ईद मुबारक बोलो सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अंदर चल रहे हैं, अंदर बड़ा और अब सारा डर रहा है, तो मैंने उसको बाहर गली में खड़ा किया, चले अंदर नहीं। अच्छा ठीक है, चलो जी जी, देखो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। हमारा बैठा जो है तकरीबन हो गया, ये हमारे साथ कसाईयों के हेड बैठे हुए हैं। और ड्यूटी नहीं देखते हो तो देखे नहीं, मैं कुछ भी सादा मजा चेक करो, कोई फिल्म ही नहीं देखी ना यार, ना करो यार, बस रहने दो। हो गया तकरीबन, और अब जो है खत खत करवाने जाना है, कुर्बानी के बाद जा सकते हैं ना, आप चलते हैं खत करवाते हैं अपना, और बांटना भी है गोश्त। सर्व करने लगे हैं चाय, अब हम चाय पकड़ो, पकड़ो चाय। A few moments later. बारी है गोश्त तकसीम करने की, तो मैं जाने लगा हूँ, देखते हैं क्या होता है। थक गया यार इतना, मतलब मैंने सोचा था मुझे कपड़े नहीं उतारने पड़ेंगे, तैयार हो गया ना मैं, तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे फिर उतारने पड़े, चेंज करने पड़े और फिर काम करना पड़ा, उसके बाद अब जाके मैं थोड़ा चेंज फ्रेश हुआ हूँ। चलते हैं अब अपने काम पे, फिर लग जाते हैं, तो मिलते हैं फिर रास्ते में।
पहले पैक तो कर लें यार गाड़ी में गोश्त। तो ट्रेन वगैरह का हेलो चिट्टू हाउ आर यू से ईद मुबारक टू एवरीवन। हेलो ईद मुबारक टू एवरीवन कह दो टू एवरीवन। आपको पता है एक बंदे से मैं ईद मिलने आया हूँ, आपको पता है ईद मिला हम ईद ही नहीं मिले कल से यार, देखो इतना मसरूफ थे हम। क्या हाल है ईद मुबारक आपको, कैसे मिलते अंकल समझे क्या पता नहीं क्या हो रहा है। और जान कैसे हो आप, ठीक है? जल्दी से आ गए हो तुम, चलो यार टाइम ही इतना था काम शाम करना और बांट मूड का भी तक आ रहा हूँ। 10-20 घरों से होके आ रहा हूँ मैं भी होली में, हमारा कुछ बकरा ईद में कौन होली वाला तो नहा धो के बकरा ईद में सारों के होली ऐसे ही होते हैं मलंगों वाले। फैन हमारे यार, फैन कैमरे में आ ला दो, आजो 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 कैमरे लो इधर हवा में। हेलो हेलो अहमद भाई से ईद मिलनी हमने और अब हम आए हुए ऐजान से मिलने के लिए ईद, और वो जो है मसरूफ़ हैं गोश्त कटवाने में। ऐजान भाई आ जाए, हम आपसे मिलने आए हुए, आप अभी तक अंदर मसरूफ़ हैं, मर्जी वाली बात है आपकी भी। आगे भाई जान हम पहले दिन हम मिले नहीं, पहले दिन मसरूफ़ थे और आज जो है हमें टाइम मिला, अहमद से मिला, ऐजान भाई से मिले, और अभी भी जारी सारी हैं अभी घर में और भी देना हमने गोश्त। इनका जो एक हो गया था बैठा वो हो गया और इनका एक भी बेचारा वो अकेला रह गया वहाँ पे है। अच्छा अच्छा दोबारा मिलो, दोबारा दोबारा मैं नहीं मिलूंगा, एक्शन दोबारा मिलेंगे, दोबारा शाम में आएंगे। ऐजान भाई ईद उल अज़हा पे एक पैगाम देना चाहते हैं, क्या पैगाम है? आपको जैसे पता है कि कोविड की चौथी लहर आ चुकी है तो एहतियात, ये कोरोना वायरस गिर रहा है, बात नहीं करेंगे, घर में रहें, घर में रहें, जब भी बोटियां खाएं, बोटियां खाने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल करें, नहीं करें। बाय 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 बाय। आपको मैं एक फिल्टर हम एक खास बंदे से और ईद मिलने आए हैं, वो बंदा है हमारा हमाद भाई। क्या हाल है, ईद मुबारक, कैसे मजा आ पे, ठीक है? आप आए नहीं यार हमारे पास, मर्जी आप ईद मिलने नहीं आया हमें, बस यार सो की गुजरी है, सो की गुजरी, बात चेक करो कबीर सिंह। और भाई क्या हाल है, सबको ईद मुबारक कहो, इधर हमाद मलिक की तरफ से सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमने करानी कटिंग शटिंग और शेव शेव करानी, फिर आपको सेट करना है और बस चलते हैं। अल्लाह वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, दे रहे हैं रास्ते में बारी बारी बंदों को, और जब भाई एक रास्ते में मिले हैं, ओए मैंने आगे रख दिया यार, सॉरी यार अहमद भाई आगे बढ़ा हुआ है। मैं कौन से वाला था, ये था, शुक्रिया शुक्रिया जी, ओके ओके, बारी बारी दे रहे हैं सबको, एंड चल रहा है अब यार, आगे रखा हुआ था मुझे भूल गया, मुझे लगा पीछे पड़ा हुआ है, उठना पड़ गया, ऐसे ही उठना पड़ गया, तू बता नहीं सकता था यार आगे रख दिया तुमने, गाड़ी में बैठ के नहीं दे सकता, मुझे पता है मुझे लगा पीछे पड़ा हुआ है, बु 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 बु। यार बस छोड़ो यार, मुझे लगा पीछे पड़ा हुआ है, मैं उठ के गया दोबारा खोला झूला, खैर चलते हैं, ओके बाय बाय। अबे यार सच में वो चाहिए, वो चाहिए क्या, उठा के दे देना यार, वो चाहिए शॉपर दे, शॉपर दे, कुछ ठीक वाला ना शॉपर गोश कहां देना, गांठ मार, गांठ मार, गांठ बोला ये बॉय समझ आ रही है, जल्दी दे दे जल्दी दे दे, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कुर्बानी को, यही होता है यार, डिस्ट्रीब्यूट करो मेहरबानी भाई, ओके ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज। तो यार बहुत से ना लोग ये सोचते हैं कि ना जो है ना कुर्बानी को मतलब कोई चीज़ बात दिखाना लोगों को देना, समझते हैं कि ये दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम बाहर वैसे हम बांटने के लिए आए थे, गोश्त तकसीम करना था, तो सोचा ब्लॉग ही बना ले अपने साथ साथ, बहुत से लोग बांट रहे होते हैं, तो कोई नहीं दे रहे हैं, कोई लोग सोचते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा, कट प्यार से बांट रहे हैं, ये कार्ड प्यार से दे रहे हैं। अच्छा तो अभी चलते हैं, हमने यार अभी भी हमें अगर कोई रास्ते में दिखा तो हम जरूर देंगे, आखिरी शॉप पर रह गया वो हमें देना है, अहमद को देने लगा था मैं, लेकिन मैंने अहमद तुझे दे दे, अबे मैं नहीं आ रहा, कट रहा हूं ये सामने ले, देखो अभी बाय बाय, गाड़ी ठुक जानी आ गए, मैं बयान नहीं दे, हमें एक प्यारी सी दावत मिली है अजान भाई की तरफ से, घर जा रहे थे लेकिन अजान भाई ने कहा थक थक गए हो गोश्त बांट बांट के, तो मेरे पास आओ खाना खा लो थोड़ा सा, हमें खाने को बीफ और जो है सात मुर्गी के भी, सात मुर्गी चिकन भी दे दिया उन्होंने, मतलब
बकरा ईद में इसका क्या काम है? ये नहीं दिए, खाने को दिए। ये इसलिए दिया, मैं नहीं खाता था बीफ, इसको मना है। तो इस बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, थैंक यू। आप भी कर दो, आप तो खाने में मसरूफ ऐसे हो गए, वैसे पहली बार खा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रिजान शाह बुखारी बिन पाशी। तो ये था ईद का सेकंड डे, कुर्बानी के साथ, गोश्त के साथ और काम शाम के साथ गुजरा। कुर्बानी ऐसे ही होती है यार, गोश्त करना और फिर देना, तकसीम करना और बस फिरना टुरना गोश्त के साथ ही। तो मेरे साथ अहमद भाई हैं, हम ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे अपना। होप सो अच्छा लगा होगा। कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करो, डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब लाइक के बोलो, करते नहीं हो यार। मैंने देखा है कि लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, कर देना चाहिए। जब आपकी सपोर्ट होगी तो हमें भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस पीक लेवल और बढ़ेगा, पी आर मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो ब्लॉग एंड करते हैं, हमारी गाड़ी भी जा रही है, ठूकी ना जाए कहीं। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, बहुत सारा बोटियाँ कम खाएं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और बोतलों के साथ बोटियाँ, बोतलों के साथ बोटियाँ खाएँ और बस यहीं पर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ईद जा रही है अभी, तो देखते हैं कल का ब्लॉग इंशाल्लाह क्या होता है। तो हमें इजाज़त दीजिए, अहमद भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।